आप लोगों के मणि भट्टाचार्य, आप सभी का मणि भट्टाचार्य। मैं आज विशेष कारण से लाइव आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं सच में दिल से बहुत दुखी हूँ। जिसका मतलब क्या बताऊँ, बहुत ख़राब लग रहा है। कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ गया था, लेकिन फिर ऐसे सिचुएशन शुरू हो गया कि हम लोग रोज़ हम लोग जब सुबह उठते हैं तभी हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई जा रहा है हम लोगों को छोड़ के, कोई ना कोई जा रहा है। किसी का मम्मी, किसी का पापा, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का मतलब कोई ना कोई जा रहा है। मुझे आज कोई पूछे कि घर में मम्मी कैसे है, तो मैं डर के बोल भी नहीं पा रही हूँ कि ठीक है, क्योंकि क्या पता कल मेरे घर पे भगवान ना करे कुछ हो। मैं खाली यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग खुद के देखभाल करो, और जो लोग आज मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी थे, मयंक मास्टर जी, मैंने उनके साथ कई काम किए, बहुत सीनियर है, काफ़ी सारे स्टार्स लोग उनके साथ काम किए हैं। आज फेसबुक देख के मैं रो दिया कि वो भी चले गए। इससे पहले भी मतलब एवरी डे कोई ना कोई जा रहा है। सच में बहुत ख़राब लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, फिर भी मतलब प्लीज़ आप लोगों को, घर वाले को, मम्मी पापा भाई बहन, घर में बड़े लोग हैं, सबका ख्याल रखिए प्लीज़। और कोविड सिचुएशन पिछले साल जिस रूप पे था, इस बार और भी बहुत ख़राब सिचुएशन में हो गया है। सो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ सभी लोग, अपने घर वाले, अपने करीब वाले, सभी लोगों का, फ्रेंड्स, सभी लोगों का ख्याल रखें। और मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मैं एक तो मतलब मेरा शूटिंग चल रहा था आगरा में बॉडीगार्ड, वो ख़त्म करके मैं कुछ दिन घूम रही थी। उसके बाद मैं अभी कोलकाता में हूँ, और कोलकाता में मैं मेरे घर परिवार के साथ हूँ, मेरे मम्मी के साथ हूँ, तो मेरे बच्चे लोग ब्रूनो, मैक्स, सभी लोगों के साथ हूँ, ब्राउनी, मैं घर पे हूँ। घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है तो उठाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं किससे खबर मिले कि ये खराब है, वो खराब है, ये है, वो है। मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे फ़ोटो पोस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि खुशियाँ ही चली गई है लग रहा है मुझे एकदम। मतलब कुछ मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, मुझे एकदम पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। मैं खाली आप लोगों से ये विनती करूँगी कि मेरे हम लोगों की इंडस्ट्री से हो, कोई और इंडस्ट्री से हो, इंडस्ट्री के बाहर हो, बहुत सारे लोग हम लोग पैसा कमाते हैं, और जो लोगों के पास सच में अच्छे पोजीशन से बिलोंग कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ये देखिए, ताकि आप लोगों के शहर में, खास करके जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हो, इलेक्शन में कौन जीतेगा ये बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन में कोई ना कोई तो जीतेगा, जो जीतेगा वो भी अच्छे हैं, जो नहीं जीतेगा वो ही अच्छे हैं। मेरा बोलने का कारण ये नहीं है, मैं खाली ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग इलेक्शन करके, बंद करके, खाली एवरी सिटी में कोरोना पेशेंट लोगों के लिए एक बेड का व्यवस्था हो, ये देखिए कोई मर ना जाए, मैं यही बोलूंगी। बस मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब हर कोई एवरी डे जा रहा है, मतलब हम लोग खुश नहीं है। कोई पूछे कि घर में मम्मी कैसे है तो बोलने में डर लगता है कि माँ ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा। मैं कल ये बोलूंगी कि इलेक्शन में कौन जीते कौन हारे ये इस सिचुएशन में आप लोग मत देखिए, खाली ये देखिए प्लीज़ सबको हेल्प करें आप लोग। और जो लोग सच में बहुत कामयाब है ज़िंदगी में, बहुत पैसा कमा चुके हैं, कम से कम
हर सिटी में हॉस्पिटल हॉस्पिटल में कम से कम सभी कोरोना पेशेंट के लिए बेड हो जाए और डॉक्टर लोग एक बार आके विजिट करें। प्लीज आप लोग प्लीज ये देखिए, सच में ये देखिए, और मतलब सबके घर में सभी सही रहे। वैक्सीन आया, वैक्सीन फिर डेट डिक्लेयर किया है, जो भी नहीं दिया है प्लीज आप लोग जाके वैक्सीन लो, घर पे रहो, सेफ रहो। हम लोग अगर जिंदा हैं, हम लोग अगर जिंदा रहेंगे तो पैसा बहुत कमाएंगे। प्लीज घर वाले का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो, अपने लोगों का ख्याल रखो। और मैं जो लोग पोजीशन में बहुत कामयाब हो, अपने डिजिग्नेशन में कामयाब हो, मैं कल आप लोगों से ये विनती कर रही हूँ कि अपने शहर में कम से कम जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब लोगों को सब जगह पे खाली ये देखिए कि कोई ना मर जाए, बस एक बेड का इंतजाम कर दीजिए, बस यही विनती है। और मेरा ये वीडियो हर जगह पे शेयर कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। आप लोगों का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, और फिर वही सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं जो कि उम्मीद नहीं था। तो बस आप लोग प्लीज ख्याल रखिए, जितना नहीं हो सकते बाहर मत जाइए, और प्लीज मम्मी पापा सब लोगों का ख्याल रखिए। प्रिकॉशन सब है, वैक्सीन है, आप लोग करिए जो करना है, और बस खुश रहिए सभी लोग। नमस्ते, प्रणाम, लव यू ऑल।